लीजिए बेटे, आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में, और मैं आपको याद करा दूं फाइनल अकाउंट्स का जो अपना टॉपिक चल रहा है। बेटा फाइनल अकाउंट्स में अभी तक मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया है पहले वो समझ लें। बेटा जैसा आपको मैंने बताया था जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आप नोटबुक निकाल लीजिए, मेरे को कुछ नोट करवाना है। बेटा पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हमारा ये चैप्टर चल रहा है बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से हमारा ये चैप्टर चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ये चैप्टर है इसको अपन लोग फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। बातें बिल्कुल खत्म हो जाएं, टॉपिक आज थोड़ा सा बढ़िया से होगा। बेटा इसमें तीन चीजें बनती हैं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद बनता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, और फिर बनती है बेटा बैलेंस शीट। तीन चीजें बनती हैं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा फिर बनती है बैलेंस शीट। तीन चीजों को मिलाकर आपका टोटल फाइनल अकाउंट जो है वो बनेगा। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की, तो प्रीवियस क्लास के दौरान बेटा हमने ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा बढ़िया से कर लिया। आज की जो क्लास है उसमें मैं पहले आपको पी एंड एल के बारे में, और उसके बाद मैं बैलेंस शीट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड उस पर आ जाएंगे। बेटा देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, अकेला पी एंड एल और अकेला बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट केस में कम आता है पेपर में। मतलब या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की बात, सेल निकालने की बात, या तो वहीं से क्वेश्चन निकल आएगा, या फिर हम लोग अगर देखें तो फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन हो और आपको तीनों चीजें ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनाकर चलनी हो, तो हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बेटा एक बात मानकर चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब मैंने ट्रेडिंग और पी एंड एल आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात आपको ये बोली थी कि ट्रेडिंग और पी एंड एल बेटा नॉमिनल अकाउंट के बेस पर बनेगा। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट किसके बेस पर बनेगा? नॉमिनल अकाउंट के बेस पर। नॉमिनल अकाउंट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया था आपको, अगर आपको याद हो। एक पार्ट था बेटा डायरेक्ट को लेकर, जिसमें डायरेक्ट में मैंने दो पार्ट्स आपको बताए थे, अगर आपको याद हो डायरेक्ट के दो पार्ट्स मैंने बताए थे। एक मैंने बता दिया था डायरेक्ट इनकम, और एक मैंने आपको बता दिया था बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस। और हमने एक बात यह भी डिस्कस कर ली थी कि जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, इसके बेस पर हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा इसके बेस पर मैंने क्या बना दिया था? ट्रेडिंग अकाउंट। पहले यह वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? चलो आगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट, ये देखिए बेटा, सॉरी मैं काम कर देता हूं, इनडायरेक्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट के बाद किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट। अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं बेटा, इनडायरेक्ट के दो पार्ट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट के बेटा दो पार्ट्स हैं, आप नोट करके चलना। एक है हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम, और बेटा एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आज ज्यादा जर्नल एंट्रीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पी एंड एल अकाउंट पर आने वाला हूं बेटा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम, बेटा ये सब हमारे जो एक्सपेंस या इनकम है इनडायरेक्ट, ये रिलेट करेंगे हमारे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट को। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट पी एंड एल अकाउंट को रिलेट करेंगे ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। जितने डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम होते हैं ना बेटा, ये रिलेट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम है ये रिलेट करेंगे बेटा आपके पी एंड एल अकाउंट को। एक बात समझ के चलिए, आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट का जब हमने फॉर्मेट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेट रिजल्ट है ये क्या निकल कर आया, खुद बताइए जरा।
ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेट रिजल्ट है ये क्या निकल कर आता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जब आप मैच करते हैं तो बेटा उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या निकल कर आता है बेटा, या तो ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आता है या फिर ग्रोस लॉस निकल कर आता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर रिजल्ट जो होगा वो ग्रोस प्रॉफिट ही होगा, ग्रोस लॉस के चांस जो है वो वेरी मिनिमम होते हैं बेटा, बहुत कम होते हैं कि ग्रोस लॉस हो, अदरवाइज ग्रोस इनकम ही होगा, लॉस होने के चांस ना के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन अगर आपका प्राइस डाउन कर दे तो आपको हो सकता है कि जिस प्राइस पर आपने गुड्स परचेज की थी उससे भी कम में बेचना पड़े, अदरवाइज तो लॉस होने के चांस नहीं होंगे, प्रॉफिट होने के चांस ही होते हैं। लेकिन जब मैं पीएनएल बनाता हूं तो बेटा पीएनएल में लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं, वो अलग सिचुएशन है। पीएनएल का जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों निकल कर आएगा। तो बेटा मैं आपको सबसे पहले आज ये बताना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट, सॉरी पीएनएल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सभी ने मेरे साथ समझ लिया, जिसकी डेबिट में जितने डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आएंगे और क्रेडिट में जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो आएंगे। आज की क्लास में हम लोग बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने नोटबुक में बनाते चलिए मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे ये आप मानकर चलना बेटा। इसके सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या वैल्यू निकल कर आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट एज पर ट्रेडिंग अकाउंट। जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया बेटा वो इसमें आ गया। पहले ये वाली बात बताएं, क्लियर है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जो पीएनएल आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था वो पीएनएल अकाउंट की बेटा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब एक एक करके अगर अपन लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, जितना आपने बिजनेस एक्टिविटी से इनकम कमाई उससे आपने निकाल दिया जीपी, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आ गया। अब बेटा निकालेंगे पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में जो अदर इनकम है, लिखना जरा एक बार, जितनी भी अदर इनकम हमें रिसीव होंगी सब बेटा पीएनएल की क्रेडिट में आएंगी। जैसे कि अगर आपने किसी को बिल्डिंग लेट आउट की हुई है, बिल्डिंग किराए पर दी हुई है और आपको रेंट रिसीव होता है, पीएनएल की क्रेडिट साइड। अगर आपने किसी को बिल्डिंग किराए पर देने के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट किया था और आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, पीएनएल की क्रेडिट। अगर आपको कहीं से कोई डिविडेंड रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, पीएनएल की क्रेडिट। अगर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आपने की थी और उस पर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सब इनकम तो हो गई क्रेडिट, और जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जितने, एक तो हमारे ऑफिस एक्सपेंस होंगे वो सब आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर पीएनएल की डेबिट में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो कौन से होंगे, मैं आपको सही बात बताऊं तो एक तो आएंगे इसमें ऑफिस एक्सपेंस, एक इसमें आएंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और एक आपके पास आएंगे इसमें बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, स्पेस कम है मेरे पास यहां, नॉन ऑपरेटिंग। बेटा जैसे जैसे आप मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे ना, मैं बहुत सारी फिगर बताऊंगा, एक एक के नीचे आपको बहुत सारी फिगर आएंगी। पता क्या, अगर मैं तो सिर्फ आपको क्रैम करवा दूं, रट्टा लगवा दूं, तो बेटा मैं आपकी बुक से देख के और ट्रांजेक्शन यहां लिख दूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो आप खुद बताएं, अगर आप ऑफिस चलाते हैं कोई, तो बेटा रूटीन के जो डे टू डे एक्सपेंस होंगे सब इसमें आएंगे।
जैसे अगर आप ऑफिस का रेंट पे करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट में आएगा। ऑफिस का लाइटिंग का बिल आप पे करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस है। ऑफिस में आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करते हैं, पीएनएल में आएगा। अगर आपका ऑफिस में टेलीफोन एक्सपेंस आता है, पीएनएल में आएगा। मतलब सीधी बात है बेटा, ऑफिस में आपके कितने सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, सब पीएनएल में आएंगे। अगर हम लोग बात करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, जितने आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होते हैं, जितने आपके बैड डेट्स हुए सेलिंग से रिलेटेड है, जितने आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं, अगर आप कस्टमर को डिलीवरी देते हैं तो डिलीवरी देने पर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिलीवरी चार्जेस हैं, सब पीएनएल में आएंगे। बेटा एक तो पीएनएल में आ गए एक्सपेंस, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस है और सेलिंग के जितने भी हैं। एक बेटा इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग वो सारे एक्सपेंस या लॉस हैं जो बिजनेस में हुए तो हैं, लेकिन वो हमारे बिजनेस ऑपरेशन के डे टू डे एक्सपेंस नहीं थे। अगर मैं बात करूं लाइक एस, तो बेटा एक तो आएगा हमारे पास जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, ये आएगा। अगर मैं बात करूं बेटा इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब लॉस हैं, पीएनएल में तो आएंगे, लेकिन बेटा ये बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस नहीं है। डे टू डे में या तो ऑफिस एक्सपेंस होता है या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बेटा इन सारी बातों के बाद जब आप क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है डेबिट से, तो आपका जो रिजल्ट है अल्टीमेटली वो क्या बचेगा बेटा, नेट प्रॉफिट। ये वाली बात बताएं, क्लियर है क्या, यस या नो? और अगर मान लो आपका डेबिट टोटल एक्सीड कर गया क्रेडिट से, तो बेटा आपको क्या बचेगा, नेट लॉस, नेट लॉस। एक बात आप सभी लोग समझ लो, अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो नेट लॉस, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड देन नेट प्रॉफिट। एक बात और समझिए, ये जो नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा, इसके नीचे लिख लो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसके नीचे लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा, कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट होगा तो भी, नेट लॉस होगा तो भी, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप अगर देखोगे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट हुआ, ये देखना बेटा एक बार स्क्रीन पर। यहां मैं नेट प्रॉफिट लिख रहा हूं, मेरे पास पेज कंप्लीट हो गया, तो नेट प्रॉफिट के नीचे आप लिख लीजिएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड एक्सीड कर गया, तो बेटा नेट लॉस होगा, वो भी कैपिटल में जाके प्लस माइनस हो जाएगा। एक एक चीज मैं बता के चलूंगा फाइनल अकाउंट्स की, सही है? अब एक बात बताओ आप मेरे को, आपको एक क्वेश्चन जब मिलेगा स्टैंडर्ड, तो उसमें सारी फिगर्स दी होंगी, एक एक करके आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सी फिगर ट्रेडिंग में आएगी, कौन सी फिगर पीएनएल में आएगी और कौन सी फिगर बैलेंस शीट में आएगी। आपको क्या देखकर चलना है, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई चीज बतानी है बेटे मेरे को, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम है तो वो किससे रिलेट करेगा, ट्रेडिंग से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम है, किसको रिलेट करेगा, पीएनएल को। एक बात और समझ लो, जितने नॉमिनल अकाउंट हैं वो ट्रेडिंग पीएनएल को रिलेट करेंगे, जितने रियल और पर्सनल अकाउंट हैं
वो बैलेंस शीट को रिलेट करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो बेटे, जब मैं आपको सारा फॉर्मेट पढ़ा दूंगा, आप मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हो इसका फाइनल पेपर में क्या वेटेज है। फाइनल पेपर आपका एक तरफा हो जाएगा इस चैप्टर की वजह से, क्योंकि इट सेल्फ इस चैप्टर का वेटेज 15-20 मार्क्स तक चला जाता है। बातें ना करके मेरी बात को समझो, पहले आपको पूरा क्वेश्चन आता है, एक ट्रायल बैलेंस मैंने दे दिया और मैंने बोला फाइनल अकाउंट्स बनाओ, आपको पूरा क्वेश्चन आता है, बट ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको फॉर एग्जांपल 25-30 आइटम्स, मेरे को बातें नहीं चाहिए मैं फिर बोल रहा हूं, 25-30 आइटम्स मैंने दे दी और मैंने बोला ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो। लगभग फिगर आपको पता है, 2 या 3 फिगर आपने कभी सुनी नहीं, या आपको उनका नहीं पता कि वो ट्रेडिंग में आएगी, पीएनएल में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी। आप फंस गए ना कि अब मैं इसका क्या करूं। जब तक अगर उसमें से एक भी गलत हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको एक कॉमन सेंस बताता हूं मैं, अगर आप चैप्टर को डीप में जाके समझ रहे हैं, आप वो जो नाम है उसका नेचर देखो क्या है, वो रियल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है या वो नॉमिनल है। अगर तो वो रियल या पर्सनल है तो आप समझ जाओ कि रिलेट किसको करेगा, बैलेंस शीट को। और उसमें भी दो ही बातें हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट को, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी को, बात खत्म। आपके लिए बेटा अगर आप क्लास को समझ के चलोगे, फाइनल अकाउंट्स में इतना इजी कर दूंगा और मैं आपका फेवरेट बना दूंगा इस चैप्टर को। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में दी गई फिगर से फाइनल अकाउंट बनाते हैं और आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई फिगर का नहीं पता कि ये ट्रेडिंग में आएगा या पीएनएल में आएगा या कहां आएगा, कुछ भी नहीं पता, तो आप पहले चेक करो कि उसका नेचर क्या है। अगर तो उसका नेचर रियल और पर्सनल में से कोई है तो समझ जाओ कि वो किससे रिलेट करेगा, बैलेंस शीट से। डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी में। क्लियर? अगर तो उस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट किसको रिलेट करेगा, ट्रेडिंग को या पीएनएल को। अगर तो वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग को, इनडायरेक्ट है तो पीएनएल को। डायरेक्ट में एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड, इनकम है तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल की डेबिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएनएल की क्रेडिट साइड। आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। अभी सबसे पहली बात ये आपको फाइंड आउट करना जरूरी है बेटा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कहते किसको है। अब जो मैंने आपको स्क्रीन पर अभी नोटबुक में आपके पीएनएल का फॉर्मेट बनाया है, इसमें तो मैंने 10-12-15 फिगर्स लिखी हैं, जबकि अगर आप अपनी बुक पर जाते हैं तो बुक में बेटा पीएनएल के लेकर के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया गया। देखो पूरी फिगर्स तो वहां भी नहीं है। एक बात सोचिए जरा, एक बात खुद सोचो, मैं अपना बिजनेस चलाता हूं तो मेरे बिजनेस में ऑफिस एक्सपेंस के नाम पर कितने सारे एक्सपेंस होते होंगे। और आप भी एक ऑफिस चलाते हो, मान लो बिजनेसमैन हो, तो आपके ऑफिस में कितने सारे एक्सपेंस होते होंगे। और जो एक्सपेंस आपके ऑफिस में होते हैं, जो एक्सपेंस मेरे ऑफिस में होते हैं, कुछ सिमिलर होंगे और कुछ कॉमन नहीं होंगे, लेकिन होते दोनों के ऑफिस में। तो पीएनएल की डेबिट में रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, आपको यह समझना पड़ेगा कि बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस हमने किए वो सब इनडायरेक्ट है, अगर उनका रिलेशन आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो। सही है? अगर प्रोडक्शन को रिलेट कर रहा है एक्सपेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट को, तो वो डायरेक्ट है, और अगर उसका रिलेशन प्रोडक्शन से नहीं है तो वो बेटा इनडायरेक्ट है। अब एक बात सोचिए, मैं एक काम करता हूं, मेरी स्क्रीन पर आपकी बुक ले आता हूं, ये देखो आप, आपकी जो बुक का ये पीएनएल का फॉर्मेट है इसको मैं स्क्रीन पर ले लेता हूं। अगर आप देख पा रहे हैं पीएनएल की क्रेडिट साइड में मेरे पास कौन कौन सी इनकम है, सिर्फ मैंने पीएनएल की क्रेडिट साइड देखी है। अगर आप देख पा रहे हो क्रेडिट साइड, तो बेटा क्रेडिट साइड में ग्रोस प्रॉफिट तो मैंने ले लिया, लेकिन उसके अलावा रेंट फ्रॉम टेनेंट, मैं एक एक बात एक एक वर्ड बता देता हूं। टेनेंट होता है बेटा किराएदार, सही है? टेनेंट किसको बोलते हैं? किराएदार को। तो रेंट फ्रॉम टेनेंट या रेंट क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों का ही मतलब क्या है? रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है पीएनएल की क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस हो इनकम है पीएनएल की क्रेडिट साइड।
कमीशन रिसीव इनकम है पीएनएल क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पर इंटरेस्ट आ रहा है क्रेडिट में। डिविडेंड ऑन शेयर्स, बेटा डिविडेंड जो वर्ड आपने शायद पहले कभी ना सुना हो, डिविडेंड शेयर्स के ऊपर मिलता है। अगर मेरे पास अमाउंट है और मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता हूं तो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट का एक पार्ट मेरे को भी तो मिलेगा ना, तो जो प्रॉफिट का पार्ट मेरे को मिलेगा पार्ट ऑफ प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड। सही बात। इसके अलावा बैड डेट्स रिकवर, अगर आपके पुराने कभी बैड डेट्स हो गए थे और आज उसकी रिकवरी हो गई तो वो इनकम है बैड डेट्स रिकवर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट्स आपने सेल की उन पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और कहीं से कोई भी इनकम आती है। मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटी मोटी कोई रिसिप्ट होगी, मिसलेनियस रिसिप्ट या मिसलेनियस इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रद्दी न्यूज़पेपर सेल कर दिया या कोई भी इस तरह से कोई चीज सेल करके छोटी मोटी कोई मिसलेनियस इनकम आ गई, वो भी सब क्रेडिट में। तो इनकम में देखो, कहने को तो मैंने ये दिखा दिया, अब इसके अलावा भी तो कितनी सारी फिगर आ सकती है ना। तो आपका माइंड मैंने बस ये सेट करना था कि भाई बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी के अलावा जितने भी इनकम आप अर्न करोगे सब बेटा पीएनएल की क्रेडिट में आ जाएगा, और जितने भी बेटा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब पीएनएल की डेबिट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखेंगे, पहली बात तो अगर ग्रोस लॉस हुआ था वो डेबिट में आ गया। आप सभी लोग जाग रहे हो, समझ पा रहे हो बेटा। इन्हीं के बिहाफ पर अभी मैं फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन करवाने स्टार्ट करूंगा। पीएनएल की डेबिट में क्या क्या लिखा मैंने, सैलरी लिखा, सैलरी एंड वेजेस आ गया अगर कंबाइंड है तो। अगर वेजेस पहले और सैलरी बाद में होता, वेजेस एंड सैलरी होता तो वो ट्रेडिंग में आएगा। प्रायोरिटी जिसकी वर्ड की है उसी को हम लोग मानेंगे। अगर वर्ड सैलरी एंड वेजेस है तो हम ये मानते हैं कि हमने सैलरी तो दी होगी ऑफिस स्टाफ को, और वेजेस छोटी मोटी कोई लेबर हमने, जैसे लोडिंग अनलोडिंग हमारे ऑफिस में कभी कोई चीज आई होगी तो उसमें दी होगी, तो इसलिए सैलरी प्रायोरिटी वर्ड जो है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। वेजेस एंड सैलरी है तो हम ये मान रहे हैं कि हमने फैक्ट्री के वर्कर्स को वेजेस दी होगी। वेजेस एंड सैलरी में जो सैलरी वर्ड है वो फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी होगी, इसलिए हम लोग ये मान देते हैं कि अगर वेजेस एंड सैलरी है तो वो वेजेस जो पहला वर्ड है उसको प्रायोरिटी देके आप चलो। वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग, सैलरी एंड वेजेस है तो पीएनएल। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो मेरे पास है रेंट, रेट्स एंड टैक्स। रेंट अगर सिंपल दिया है, एक बात सोचिए, ये फैक्ट्री का भी हो सकता है और ऑफिस का भी हो सकता है। अगर फैक्ट्री का होता तो ट्रेडिंग में आता, ऑफिस का है तो पीएनएल में आएगा। लेकिन सिर्फ रेंट दे दिया, कुछ भी ना दिया हो तो ये अज्यूम कर लीजिएगा कि वो ऑफिस को रिलेट करेगा। ये कुछ अजम्पशंस आपको लेकर चलनी पड़ेंगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा है, पोस्टेज ऑफिस का खर्चा है, लाइटिंग ऑफिस का खर्चा है। फैक्ट्री में पावर यूज होती है, आपको पता है पावर में और लाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। पावर और लाइटिंग दो अलग अलग वर्ड्स हैं बेटा, पावर अलग वर्ड आता है और लाइटिंग अलग आता है, आप मेरी बात को समझना। पावर तब यूज होती है जब आपके पास बड़ी मशीनरीज हो। देखो सप्लाई वही है बट उसका वोल्टेज ज्यादा होता है और उसका यूनिट रेट भी ज्यादा होता है। हाई वोल्टेज पर जब आप लेकर चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो उसको पावर बोला जाता है। अब एक बड़ी मशीन है जो प्रोडक्शन करती है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाया जाता, उसको पावर से चलाया जाता है। है वो इलेक्ट्रिसिटी ही लेकिन उसको पावर वर्ड यूज करेंगे, और पावर का जो रेट ऑफ यूनिट होता है वो हाई होता है और लाइटिंग का जो रेट ऑफ यूनिट होता है वो लोअर होता है। तो ऑफिशियल एरियाज जो होते हैं उसके अंदर पावर सप्लाई नहीं आता है, उसके अंदर लाइटिंग आता है, और जो फैक्ट्री प्राइमिसीज होती है उसके अंदर पावर आता है। तो अगर अकेला पावर है तो ट्रेडिंग को रिलेट करेगा, अकेला लाइटिंग है तो पीएनएल को रिलेट करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी फैक्ट्री में पावर और लाइटिंग दोनों बना देते हैं। रीजन क्या है सुनिए, मान लीजिए ये आपका एक फैक्ट्री एरिया है, आप मेरी बात को समझना। मान लीजिए ये आपका फैक्ट्री एरिया है और इस फैक्ट्री एरिया में देखो मैं जो बात बता के चल रहा हूं उसको तरीके से और बात समझ के चलना बेटा। जो आपका फैक्ट्री एरिया है इसमें आपने मशीनें लगा रखी हैं, लेकिन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स भी तो काम कर रहे हैं।
अब आपकी इस फैक्ट्री में मशीनों को चलाने के लिए पावर की जरूरत भी है, और जब वर्कर्स उनके साथ काम करेंगे तो आपको फैक्ट्री में लाइट्स भी चाहिए, फैन भी चाहिए, वो सब चीजें भी चाहिए। अब अगर मान लो आप अपनी फैक्ट्री में एक कनेक्शन ले लेते हो पावर का, और उस पावर के कनेक्शन से आप मशीन भी चला लेते हो और फैन और ट्यूबलाइट भी चला लेते हो, चल तो सकता है, लेकिन फैन और ट्यूबलाइट चलाने के लिए अगर आपने पावर यूज किया तो पावर तो महंगे रेट में आ रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए फैक्ट्री का जो ओनर है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लेगा, एक पावर के लिए और एक लाइटिंग के लिए। पावर से चलाएगा मशीनरी और लाइटिंग वाले से चलाएगा अदर इक्विपमेंट। तो आपको कई बार, मैंने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, पावर भी दिया होगा और लिखा होगा फैक्ट्री लाइटिंग। तो आप बोलेंगे यार फैक्ट्री लाइटिंग है तो फैक्ट्री में आना चाहिए, लेकिन सर ने बताया था फैक्ट्री में तो पावर यूज होती है, तो लाइटिंग किस में आनी चाहिए, पी एंड एल में। कंफ्यूजन ना लें, अब सीधी बात सुनो, अकेला सिंगल वर्ड लिखा हुआ है पावर, आप उठाकर ट्रेडिंग में रखेंगे, सिंगल वर्ड लिखा हुआ है लाइटिंग उठाकर पी एंड एल में लिखेंगे, क्योंकि पावर किसको रिलेट कर रहा है, ट्रेडिंग को, फैक्ट्री को, और लाइटिंग वर्ड किसको रिलेट कर रहा है, ऑफिस को। अकेले सिंगल वर्ड है लाइटिंग, पी एंड एल को रिलेट करेगा, अकेला पावर है ट्रेडिंग को रिलेट करेगा। बात समझ में आ गई, सुनते जाओ मेरी बात को ध्यान से। अगर आपको लाइटिंग के साथ आगे वर्ड लिखा हुआ है ऑफिस लाइटिंग या फैक्ट्री लाइटिंग, अगर कुछ वर्ड ऐसे ऐड कर दिया जाए तो फिर आपका वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ऑफिस लाइटिंग है तो पी एंड एल में, फैक्ट्री लाइटिंग है तो ट्रेडिंग में, ये ऐसे बनाएंगे आप, सही है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, आप सभी लोगों को जब आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे ना, आपको आधे ज्यादा बच्चों को तो यही डाउट रहेगा कि सर मैं कौन सी आइटम को ट्रेडिंग में लिखूं या पी एंड एल में लिखूं। जब वो क्लियर होगा तो मैं आगे एडजस्टमेंट्स पर बढ़ पाऊंगा। एटलीस्ट इतना डाउट ना हो कि आपको यही पता ना हो कि कौन सी फिगर किसको रिलेट कर रही है। अगर मैं वापसी आपका फॉर्मेट लेकर चलूं तो ये देखिए, आपकी बुक का ही फॉर्मेट अगर मैं वापसी लेकर चलूं तो ये देखिए, मैंने लाइटिंग बता दिया, लाइटिंग के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल में आएगा, जनरल इंश्योरेंस है, टेलीफोन चार्ज पी एंड एल में आएगा, लीगल चार्ज पी एंड एल में आएगा, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है पता है आप लोगों को, आप जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, तो जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ऑडिट फीस आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को देंगे, आपका बिजनेस ऑफिशियल एक्सपेंस है पी एंड एल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफिस के स्टाफ का पी एंड एल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस को ही बोलते हैं पी एंड एल, ट्रेड एक्सपेंस, बेटा ट्रेड एक्सपेंस देखकर ट्रेडिंग में मत लिखना, ट्रेड एक्सपेंस बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंस है पी एंड एल, जनरल एक्सपेंस पी एंड एल। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा सेलिंग को रिलेट भी करते हैं कुछ एक्सपेंस, अगर आप देखेंगे कैरिज ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट, कमीशन अगर आपने दिया सेल करने पर, ब्रोकरेज, डीलर को कमीशन होता है एक तरह का, बैड डेट्स, सेल किया था और पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा पैकिंग एक्सपेंस, सेल करने पर पैकिंग एक्सपेंस लगेंगे, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, अगर आप कस्टमर को होम डिलीवरी देते हैं तो डिलीवरी वैन का खर्चा आपको देना पड़ेगा, स्टेबल एक्सपेंस, अगर आपके पास कोई हॉर्सेस वगैरह होते हैं जनरली तो उसको उसका स्टेबल बनाकर चलते हैं वो एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस में डिस्काउंट। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस में आपके पास आ गया, अगर आप मिसलेनियस एक्सपेंस चेक करेंगे पी एंड एल की डेबिट में, रिपेयर का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कस्टमर्स के इंटरटेन के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया, कन्वीनियंस एक्सपेंस, ट्रेवलिंग को ही बोलते हैं, डोनेशन एंड चैरिटी, अगर आपने कोई डोनेशन टाइप कुछ दिया, और अगर कोई लॉस हुआ सेल को, एसेट्स को सेल करने पर, ये सब बातें आपके पी एंड एल के फॉर्मेट में है, लेकिन मैंने इनमें से रेंडमली कुछ फिगर्स को पी एंड एल अकाउंट के फॉर्मेट में रख के आपको पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा दिया था। बेटा आपकी बुक में जो पी एंड एल का फॉर्मेट है स्क्रीन पर मैंने बता दिया सारा, जितने डायरेक्ट
इनडायरेक्ट इनकम है पीएनएल की क्रेडिट में, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल की डेबिट में, इनकम के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट निकलेगा, एक्सपेंस के टोटल में से इनकम टोटल माइनस करेंगे डिपेंड करेगा क्रेडिट टोटल ज्यादा है डेबिट कम है तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकलेगा किसमें ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, यस या नो? अगर हम इसके बाद बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो कैसे बनेगा ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएनएल बनेगा, उसके बाद बनेगी बेटा बैलेंस शीट। चलिए आप बनाइए मेरे साथ एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कुछ चीजें मैं बीच में से एक बार इग्नोर कर रहा हूं, एक बार मैं बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बनाकर चल रहा हूं। बेटा सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, फिर हमने बनाया पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, अब हम लोग बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट ये दोनों अकाउंट हैं। बैलेंस शीट जो मैं बना रहा हूं ये अकाउंट नहीं होता है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, इसमें दो साइड होंगी बेटा, एसेट्स और लायबिलिटी साइड। एक साइड होगी एसेट्स और एक साइड होगी लायबिलिटीज। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाई जाएगी लिखिए जरा। एसेट्स और लायबिलिटीज में एसेट साइड में आपने नंबर वन पर लिखा करंट एसेट्स, जितनी भी आपके पास करंट एसेट्स हैं जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बेटा स्टॉक को बोलते हैं, जितने आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, जितने भी आपके डेटर्स हैं सब एसेट्स में आएंगे। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं सब एसेट्स में लिखा जाएगा। लिख के चलिए बेटा फॉर्मेट को आप, जितनी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं वो बीसी में आएंगी। करंट एसेट्स को तो मैंने लिख ही दिया, करंट एसेट्स के बाद अगर आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स, आपको याद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर जब हमने इनिशियल लेवल पर पढ़ा था तो मैंने एसेट्स को कैटेगराइज किया था टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो वहां हमने पढ़ा था करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स हैं जिनको विद इन वन ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे, और नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको विद इन वन ईयर हम कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर आ गया, नॉन करंट एसेट में प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, नॉन करंट एसेट में मोटर व्हीकल आ जाएगा, नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, नॉन करंट एसेट में लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब अगर आपके पास किसी तरह का कोई एनिमल्स टाइप है वो सब आ जाएंगे। ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं बेटा। अगर हम लोग लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटी साइड में पहले हम लोग लिखते हैं बेटा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज वो सब लायबिलिटीज है जिनका जिनको हम लोग विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट कर देंगे, कैश में पेमेंट दे देंगे। जैसे अगर हमने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस है, बिल्स पेबल्स अगर आपके पास हैं, बिल्स पेबल्स अगर आपके पास हैं
इसके अलावा अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आ जाएगा बेटा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी है वो सब लायबिलिटी साइड में आएंगी। लाइक एज बैंक लोन है अगर कोई आपका, जिसका पेमेंट आपको आफ्टर लॉन्ग पीरियड करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं ना बात को, जाग रहे हो? इसके अलावा बेटा कैपिटल बैलेंस आएगा। लिखना जरा सभी लोग, कैपिटल को कैसे डील करेंगे ये मेन मुद्दा है। कैपिटल लीजिए आप, इसमें ऐड करते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। जो पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आपने निकाला था वो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो वो लेस हो जाएगा। प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, लॉस है तो वो लेस हो जाएगा। एक इसके अलावा लेस करेंगे बेटा ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स जो है वो लेस हो जाएंगे और जो नेट बैलेंस बचेगा इनको प्लस माइनस करके वो यहां आएगा। एंड आफ्टर दैट इसके बोथ साइड का टोटल अगर आप करेंगे तो वो इक्वल होगा। अगर आप इसके बोथ साइड का टोटल करेंगे तो वो इक्वल होगा। ये वाली बात बताएं, क्लियर है क्या? इस तरह से बेटा एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो बैलेंस शीट में अपीयर होंगी। एक मैंने पहले आपको बता दिया पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट और एक मैंने आपको बता दिया बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यस या नो? चलें इससे आगे। ये वाली बात बताएं, क्लियर है क्या सभी को? बेटा अब मैं क्या करने चल रहा हूं सुनिए। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूं, बीच में कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दे रहा हूं मैं, और एक बार मैं डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर लेकर आ रहा हूं आपको। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 16 है बेटा। अब असली काम स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना के देने वाला हूं। क्या होगा बात को समझो, मेरे को ना एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और मेरे को बोला जाएगा कि ट्रायल बैलेंस के बेस पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। सही बात है, आपको ट्रेडिंग बनाना है, आपको पीएनएल बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब आप पहले मेरी बात को अच्छे से समझो बेटा, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, चेक करना, लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय बहादुर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर 31st March 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। आपको एक तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। आपको लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक उस डेट को कितना है 25,000। चलो इतना काम करने के बाद आप देखेंगे ना, आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना स्टार्ट करूं स्क्रीन पर, उससे पहले थोड़ा चेक करते हैं कि आपको पता कितना है। आप एक बार ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में आइए, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में पहली फिगर क्या बताओ? ओपनिंग स्टॉक। आपको क्या लगता है ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाना चाहिए। कौन सी साइड? डेबिट साइड। चलो इसके अलावा परचेज दिया हुआ है, कहां लिखा जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, क्या करोगे इसका? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल्स आप लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। चलिए फ्रेट एंड कैरीज दिया हुआ है, कुछ भी ना दिया हो तो इनवर्ड्स मानेंगे, ट्रेडिंग में आएगा। वेजेस किस में आएगा? फैक्ट्री वर्कर्स को दिया जाता है ट्रेडिंग में। सैलरी किस में आएगा? ऑफिस स्टाफ को दिया जाता है पीएनएल में आएगा। रिपेयर्स पीएनएल, ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल डेबिट साइड, रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल डेबिट साइड। इसके अलावा कैश इन हैंड एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड। बीआर बिल्स रिसीवेबल
बिल्स रिसीवेबल का नेचर कौन सा होता है, रियल पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट होता है, डेटर को रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट के एसेट्स में बेटा, डेटर्स किस में आएगा? एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी, विथड्रॉवल ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, बैंक डिपॉजिट डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है तो एसेट है, एसेट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आप जाते हैं, पहली फिगर दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या करोगे लाइबिलिटीज में, परचेज रिटर्न का क्या करोगे परचेज में से माइनस, सेल्स का क्या करोगे सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, कमीशन क्रेडिट बैलेंस है क्या करोगे कमीशन, इनकम मानू या एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम होगा पी एंड एल की क्रेडिट साइड। कमीशन के बाद दिया हुआ है कैपिटल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम है, आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, डेबिट बैलेंस था या नहीं था, बैंक डिपॉजिट आपकी एसेट है या नहीं है, डिपॉजिट अगर आपने किया है बैंक में, एक तरह से बैंक में आपने सेविंग कर रखा है, उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, पी एंड एल में आएगा। और बिल्स पेबल दे रखा है लाइबिलिटीज में। अब एक बात देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक आइडिया आपके पास है ना कि ट्रेडिंग में, आप पहले मेरी बात को सुनो बेटा, आप अगर मेरे को साथ में सपोर्ट करके चलेंगे चीजों को, आपको हर एक बात को तो मैं मीनिंग बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाऊंगा, सही है ना। और सही बात बताऊं, सच्चाई बताऊं, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर चल रहा है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में भी क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, उसके नीचे कुछ आपको 6-7 एडजस्टमेंट दी होंगी, डबल एंट्री होंगी, वहां क्या पटक जाओगे। मैं आपको एक बात बोल देता हूं, आप फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जो मैं करवा रहा हूं, आप इसको बड़ा स्ट्रांगली पढ़ो, ये डाउट ना हो किसी बच्चे को मेरी क्लास में कि सर ये ट्रेडिंग में आएगा या पेंडल में आएगा, फिर मैं एडजस्टमेंट पर आपके साथ जबरदस्त वाला काम करूंगा। मतलब हर एक एंट्री क्या बनेगी एंट्री, उसका इफेक्ट किस अकाउंट पर जाएगा, क्यों जाएगा, हर एक बात में अप्लाई करके चलने वाला हूं फिर, सही है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो है, आप अपनी नोटबुक में पूरा पेज लगाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 16 की बात हम लोग करेंगे। आप इसमें पहले बनाओ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, स्क्रीन पर आना एक बार, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ये लिखा हुआ है। और बेटा इतना काम करने के बाद क्या करना होता है सुनो, आप है ना यार, पहले बात को सुन लो अच्छे से, समझ लो करना कैसे है। आप है ना इतना पार्ट बनाओ, हाफ से ज्यादा, आप अपनी नोटबुक में हाफ से ज्यादा बनाओ। एक बात और बता दूं आपको, फाइनल अकाउंट्स का जब आप क्वेश्चन करेंगे ना विद एडजस्टमेंट, आपके सामने सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या आएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी फेयर प्रेजेंटेशन में नहीं होगा, इतनी सारी कटिंग्स आपके क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, आप देखना। मैं उसको फेयर प्रेजेंटेशन में लेकर आ रहा हूं, रीजन पता क्या होगा सुनो, आपको मैं बताता हूं, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहले तो आप एरिया जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि भी मैं ट्रेडिंग के लिए कितना स्पेस छोड़ूं, पी एंड एल के लिए कितना, बैलेंस शीट के लिए कितना। अब आपने एक पूरा पेज लगा दिया ट्रेडिंग के लिए, आइटम्स उसमें आई 4, बाकी पूरा खाली पड़ा है, वो क्वेश्चन का फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो सबसे ज्यादा तो प्रेजेंटेशन ही मैटर करता है। मैं जो बात बता रहा हूं देखो, जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया तो मैंने देखा ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर क्रेडिट में तो दो ही फिगर है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में मेरे को लग रहा है 6-7 फिगर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इतना सा एरिया, मतलब ये एरिया मैंने ट्रेडिंग के लिए छोड़ दिया, जबकि स्पेस थोड़ा मैंने ज्यादा छोड़ा है। फिर मैंने बनाया पी एंड एल, पी एंड एल में ट्रेडिंग से थोड़ा ज्यादा होगा, और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले आप मेरी बात को समझ लो एक बार,
लिखने का तरीका यह रहेगा, लिखने का तरीका यह रहेगा, बैलेंस शीट तो अलग बनेगा बेटा, समझ लो आप, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। ट्रेडिंग पीएनएल जब बनता है ना बेटा, तो लिखा कॉमन जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, मतलब ऐसा नहीं है पहले ट्रेडिंग फिर नीचे आते के बाद पीएनएल, ऐसा नहीं होगा, ऊपर कंबाइंड नोट होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बट जहां ट्रेडिंग कंप्लीट होगा उसके बाद पार्ट कंप्लीट होकर पीएनएल स्टार्ट होगा, मतलब बनेगा दो पार्ट्स में, ऊपर हेडिंग में लिखा जाएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, हेडिंग में ट्रेडिंग पीएनएल आएगा बट बनेगा दो पार्ट्स में। बैलेंस शीट को सेपरेट बनाकर चलना है, बैलेंस शीट का ट्रेडिंग पीएनएल के फॉर्मेट से रिलेशन नहीं है, वो सेपरेट बनेगा। अब एक एक करके अगर मैं बनाकर चलूं, सबसे पहले मेरे को बताओ, मैं ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस पढ़ रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक था बेटा 20,000, ट्रेडिंग की डेबिट में रख दूं क्या? मेरे साथ बनाओ आप भी सभी लोग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में मैंने रख दिया 20,000। चलिए ओपनिंग स्टॉक के बाद बातें ना करके टॉपिक पे आ जाओ तो ज्यादा बेटर है बेटा। परचेज हमें गिवन है 75,000, परचेज हमेशा अंदर रखना, कुछ बातें बता के चल रहा हूं जिनको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके पेपर में बहुत सारी कटिंग्स होने वाली हैं। परचेज हमेशा अंदर रखो और इसके नीचे लेस लिखो परचेज रिटर्न, मैंने पी रिटर्न लिख दिया परचेज रिटर्न। अब चेक करो क्रेडिट साइड में बैलेंस मिलेगा परचेज रिटर्न का 3,000, नेट परचेज आ गया 72,000, यस या नो? वापसी डेबिट में आओ जहां से आपने परचेज उठाया था, वापसी डेबिट में आ जाओ जहां परचेज उठाया था। परचेज के बाद क्या लिखा हुआ है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का रिलेशन किससे बनेगा? जब आप सेल्स लिखेंगे उसमें से लेस करिएगा रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स कितना है बेटा? 8,000। और मैं काम कर लेता हूं, सेल्स भी देख ही लेता हूं, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है सेल्स का, तो नेट सेल्स की फिगर आ गई इतनी। वापसी डेबिट में आ जाओ, ट्रायल बैलेंस जो बेस बनाकर हम चल रहे हैं, डेबिट में परचेज था वो आ गया, सेल्स रिटर्न था वो एडजस्ट हो गया। वापस से चेक करो और क्या फिगर है बताइए, अगली फिगर क्या है? फ्रेट एंड कैरिज 7,500, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा 7,500। उसके बाद लिखा हुआ जी वेजिस, वेजिस किस में आएगा, ट्रेडिंग में या पीएनएल में? ट्रेडिंग में आएगा वेजिस, वेजिस की वैल्यू है 36,500, ये आ गया। वेजिस के बाद है सैलरीज 12,000, बताइए पीएनएल की डेबिट में, चलो मैंने लिख दिया सैलरीज पीएनएल की डेबिट में, सैलरीज का बैलेंस है 12,000। चलो उसके बाद है सैलरी के बाद रिपेयर, बोलो किस में लिखूं? पीएनएल की डेबिट में रिपेयर्स 1200 रुपीज है, ये आ गया जी। चलो उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, बोलिए किस में लिखा जाए? पीएनएल में ट्रेड एक्सपेंस 4,000। रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल 24,000। उसके बाद कैश इन हैंड, बताइए कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा जी, एसेट साइड ये वाली होती है, कैश इन हैंड कितना बैलेंस है? 5,700, यहां आ गया। कैश इन हैंड के बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में ही आएगा 4,000, डेटर्स 55,000 एसेट्स में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000,
इसी में आएगा। विड्रोवल, बोलिए क्या करूं विड्रोवल्स का, कैपिटल में से लेस करेंगे। एक काम कर देता हूं, एक बार मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां कैपिटल अगर आएगा ऐसे लिखना है, सुनो, ऐड होता है नेट प्रॉफिट, लेस होता है ड्रॉइंग्स, इस फॉर्मेट में चलना बेटा। अभी नेट प्रॉफिट नहीं पता, आप एक काम करो, यहां ड्रॉइंग्स कितना है 16,600, ये लिख के छोड़ दो, स्क्रीन पर आओ, स्क्रीन पर आओ, बाकी फिगर जब आपको पता चल जाएंगी लिखकर उसको फिल करके टोटल कर देंगे। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है विड्रोवल्स के बाद बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट एसेट में आएगा, बैंक डिपॉजिट्स दिया हुआ है 20,000, चलिए जी ये एसेट्स में आ गया। इतना काम करने के बाद ये तो हो गई बेटा एसेट साइड की बात, सॉरी डेबिट साइड की बात। क्रेडिट साइड अगर ट्रायल बैलेंस का देखते हैं, पहली फिगर क्रेडिट साइड में दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 क्रेडिट साइड। चला जाए आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद फिर क्या जी, परचेस रिटर्न्स 3,000। क्या किया था परचेज रिटर्न का, खुद बताएं, परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करके नेट परचेज ले लिया था, बिल्कुल सही है। चलिए सेल्स का हमने क्या किया, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में ऑलरेडी आ चुका है सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। सेल्स के बाद कमीशन, बताइए कहां लिखना चाहिए मेरे को, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिल्कुल ये लीजिए बाय कमीशन रिसीव, बेटा कमीशन पीएनएल की क्रेडिट साइड में आ गया, बिल्कुल सही है। चलिए कमीशन के बाद है कैपिटल 1,70,000, क्या करें कैपिटल के बैलेंस का, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा कैपिटल 1,70,000। कैपिटल के बाद लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,000, इनकम है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। चलिए इनकम है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना अमाउंट है बेटा 2,000, ये आ गया। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है बिल्स पेबल 6,200, लायबिलिटी में आ जाएगा बिल्स पेबल, चलिए जी ये आ गया। पहले ये बता दो ये क्लियर है क्या सभी को, इतना काम करने के बाद प्लीज आप देखिएगा, आपको ना ट्रायल बैलेंस के बाहर ऊपर हेडिंग में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक 25,000 है, मिल गया बेटा, जो फिगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसको एडजस्टमेंट का नाम हम लोग देंगे, अगर एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। आप एक काम कर लो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के बाद एक जर्नल एंट्री बना लो, क्लोजिंग स्टॉक के लिए बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसको एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, बेटा वो दो जगह डील होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 25,000 रुपीज का, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक को एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कीजिए 25,000, एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में शो कीजिए 25,000, और एक बेटा बैलेंस शीट की एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और एक बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। बेटा जहां ट्रायल बैलेंस स्टार्ट था उसके ऊपर जो मिस्टर राय बहादुर की अकाउंट बनाने की बात थी उसी में देखो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऊपर, मिल गया। चले आगे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और क्लोजिंग स्टॉक को बेटा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड। आप बोलेंगे सर आपने दो जगह डील क्यों किया,
बेटा एक बार फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में इसको आप एक बार से क्रैम कर लें, और विद एडजस्टमेंट जब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मैं यही बात बताऊंगा कि एडजस्टमेंट एंट्री को दो जगह डील क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है, वो हर एक बात मैं बताकर चलूंगा। अभी अगर आप बात समझें तो बेटा मैंने अभी तक आपको जो क्वेश्चन गिवन था उसकी सारी फिगर्स लेकर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फिल कर दिया पीएनएल और बैलेंस शीट में। एक बार स्क्रीन पर अगर आप आते हैं तो मैं क्या देख रहा हूं, क्रेडिट साइड का जो टोटल अगर हम करें तो ये बनता है 2,42,000 प्लस 25,000, तो ये टोटल आता है बेटा 2,67,000। और डेबिट का टोटल करें तो 20,000, 72,000, 7,500, 36,500 माइनस करेंगे क्रेडिट टोटल में से डेबिट को, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास निकल कर आ रहा है 1,31,000, जिसे मैंने नाम दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट का, और ये ट्रांसफर होगा पीएनएल में। पहले इतना समझ में आए तो इससे आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने क्या किया, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 1,31,000। यस या नो बोलिए। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट को किस में लेकर चलेंगे, पी एंड एल में, यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये वैल्यू आएगी 1,31,000। बेटा जो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकला उसको लेकर चलेंगे पी एंड एल की क्रेडिट में, लॉस होता तो डेबिट में आ जाता। अब पी एंड एल का क्रेडिट टोटल करेंगे, क्रेडिट टोटल आप देखते हो तो 1,31,000, 3,300 और 2,000। अगर मैं टोटल करता हूं तो ये फिगर आ रही है बेटा, और मैं डेबिट टोटल करता हूं तो 12,000, 1,200, 4,000 और 24,000। तो ये टोटल आ रहा है मेरे पास यहां तक का 41,200, बट लिखेंगे नहीं, इस टोटल में से ये जो टोटल आया होगा माइनस करेंगे, और यहां से जो नेट रिजल्ट आएगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, नेट प्रॉफिट का। अगर आप इसको माइनस करके चलते हैं 136,300 में से, तो ये नेट प्रॉफिट निकलकर आ गया बेटा 95,100 रुपीज। ये वाली बात बता दें, क्लियर है क्या, ये जो नेट प्रॉफिट आपके पास निकल कर आएगा इस नेट प्रॉफिट को आप बेटा कैपिटल में जाके प्लस कर लें, और इतना काम करने के बाद 170 प्लस 95,100 माइनस करेंगे, तो नेट वैल्यू निकल कर आ गई 248,500। मैंने कैपिटल में नेट प्रॉफिट को कर लिया प्लस, ड्रॉइंग्स को कर दिया माइनस, तो बेटा ये वैल्यू आ गई टोटल में। अब मेरी बैलेंस शीट की बोथ साइड एग्री करनी चाहिए, ये वाला टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों टोटल इक्वल नहीं है मींस आपके पीछे मिस्टेक हो गई है, सही बात है। यहां के आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा 15,000, 6,200, 248,500। मेरे पास ये टोटल आ रहा है 2,69,700, और अगर मैं एसेट्स का टोटल करता हूं 5,700, 4,000, 55,000, 1,60,000, 20,000 और 25,000, बिल्कुल ये भी 269,700 ही आ रहा है। मींस दोनों साइड का जो टोटल है बेटा वो इक्वल है। अगर बोथ साइड का टोटल इक्वल है इट मींस ओके है क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। करना कैसे है, मैंने आज की क्लास में अभी तक बेटा आपको क्वेश्चन चलाना सिखा दिया,
अब इस चैप्टर में जितने पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसमें मैं क्या करवाने वाला हूं, क्या जल्दी है? इस क्वेश्चन में इतना काम करवाने के बाद इस क्लास में अब मैं एक एक करके जो टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 16 अभी मैंने करवाया, आपका होमवर्क यह कि आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 17 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 भी करेंगे। सही बात है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके पहले डाउट लेंगे और अगले जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं 1-to-1 नेक्स्ट क्लासेस के दौरान इसको हम लोग पैक करेंगे बेटा। सही है जी, आज के लिए इतना करेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है जी।